अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे दोस्तों भिराओ, क्या हाल है? उम्मीद करन अल्लाह दे करम ते शुक्र दे नाल ठीक हो सो। सरे पे यूट्यूब चैनल मार टीवी ते मैं मार यासीन। अज दी वीडियो थोड़ी किते बहुत इंटरेस्टिंग थी होणी आली, क्योंकि अज दी वीडियो च मैं तो लिखना पिया आज, क्योंकि मुं सारी किते खुशी दी मार है। अज सरे मुलेर दी हाफिज मोहम्मद शहजाद दी शादी है, ते अज उन्हें दा वलीमा है, ते वलीमा दा तो मुकम्मल मुंड तो लेके एंड तो सारा तो माहौल लिखे सूँ। ते रात पिछली रात उन्हें जाग आई, तो अस उन्हें जाग भी इवें कि जिम्मे मतलब कि इस्लाम आदे उ हिसाब न कोई इतना शादी का मतलब तमाशा वगैरह करना आई। तो इतना मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आई, तो मिलाद के अलावा कल बरात जी गई है, बरात के भी मतलब उतना ढोल वगैरह कशे कह नहीं के गए उतना भी, तो लबैक यार रसूल सलम के नारे ला के गए हैं, उतनी तोड़ बरात कहन गए हैं, बिहाड़ी बरात गई है, बल्कि टिबा सुल्तानपुर बरात गई है, बिहाड़ी को थोड़ा उ थी वेंदे, तो उतना भी बरात पुगता कि अज हूँ वलीमा है। तो वलीमे का थोक माहौल ही कहने हूँ भी थान थ्रो मतलब कि टेंट थोक नजर आता पे, टेंट के बच्चे साउंड सैट थे खड़े, तो उनके बाद थोकों लिखे थोड़ी देर बाद वलीमा शुरू थी वे, तो टेंट साउंड शाउंड लगे खड़े, इतनी पहले हाफिज कमरान मंडाई है, तो वह तकरीर करे सन, तो उन्हें थोड़ा खिताब सुन सूँ, तो उनके बाद थोको वलीमे का मुकम्मल माहौल लिखे सो। तो उम्मीद करे सर मैं तो अज की मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग सी, तो वीडियो को लाइक करे सो। तो अगर मैं लिखे सा कि इस्लाम के मतलब कि शादी केड़े तरीके नाल करनी चाहिए, तो वो मुकम्मल माहौल उसी इस्लामिक निज़ाम नाल मतलब कि इस्लाम कोई मद्देनजर रखते हुए शादी करो, क्योंकि बंदा खुशी के अक्सर बंदे खुशी करें तो अल्लाह रसूल को भूल पैदा, लेकिन खुशी के मौके के उत्ते सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होना भी बहुत लाजमी है सारे मुसलमान वास्ते। तो उम्मीद करे सभी बार मेरी आई थी वीडियो तो बहुत ही अच्छी लगसी, तो वीडियो को लाइक करे सो। हूँ चलते हैं मैं कि उन्होंने किताब सुन में थोड़ी देर तुम्हें शुरू थी होने लाए, तो वाल वो उनके सुन रहे हैं। बाद इंसान के ऊपर निकाह करना वाजिब होते, बाद औकात इंसान के ऊपर निकाह करना सुन्नत मुअक्कदा होते, और बाद औकात इंसान के ऊपर निकाह करना मुबाह होते, बाद औकात इंसान के ऊपर निकाह करना मकरूह होते, और बाद औकात इंसान के ऊपर निकाह करना हराम। खलबा हो वे और चीज का यकीन हो वे कि अगर मैं निकाह न करे पर जिना यकीन है और के नाम नफका अब मेर दे ऊपर भी कुदरत रख दे, शरीयत आगे होते दे ऊपर निकाह करना फर्ज है, और निकाह करना क्या है फर्ज है, फर्ज तो बाद उधर जंदा वाजिब दा है, कहता है वाजिब, और निकाह करना वाजिब किस टाइम होंदे शरीयत दे आदी है जिस टाइम तोड़े ऊपर शहवत दा खलबा होवे और बंदे दे ऊपर सब्र भी होवे, उनके अंदर कंट्रोल भी होवे, यानी जिना आले पासे ना वेंदा होवे, अगर निकाह ना भी करे हां औरत दा नाम नफका दा भी कुदरत रख दे हक महर भी दे सके, मल शरीयत आदी उंदे ते निकाह करना वाजिब, निकाह करना क्या है उस्मान बिन मज़ऊन रजी अल्लाह तआला नो कसरत दे नाल इबादत करे ने, कसरत नाल जिक्र अज़कार करे ने, बड़ी इबादत करे ने, बड़ा जिक्र करे ने। एक दफा नबी पाक दी बारगाह दे अंदर हाजिर हुए, अर्ज कीजिए या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मैं हर टाइम इबादत दे अंदर मशगूल रहना, हर टाइम जिक्र करे ना रहना, या रसूल अल्लाह तुसा मेरे को इजाजत दो मैं निकाह ना करा। उन बादो का लोग होने ना वो आदन जी हर किस्म दी, हालांकि उन्हें ताकत माली बदनी जिस्मानी हर ताकत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी निकाह नहीं करेंगे। हम सुनो इन सहाबी रसूल नबी से की बारगाह में हाजिर हुए, बोले या रसूल अल्लाह कसरत का जिक्र भी है इबादत भी है सब कुछ है, या रसूल अल्लाह मैं को इजाजत दे मैं निकाह नहीं करना चाहता। नबी से ने फरमाया थे इस चीज की इजाजत कोई नहीं, तू निकाह कर, अल्लाह ई जहां के अंदर बेड़ा पार करे से आखिरत के अंदर भी बेड़ा पार करे। तो हालात मोहतरम इस वास्ते निकाह जरा बंदा निकाह की उम्र को पहुंच वेंगे और ताकत कुदरत भी रखना होवे तो उनको चाहिए निकाह के अंदर का खैर ना करे।